हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज ये हमारा पार्ट सिक्स है स्टैंडर्ड सिक्स के साइंस का। स्टूडेंट, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फोर का, वो है कंडक्शन ऑफ हीट। अब कंडक्शन ऑफ हीट में क्या है, चलिए बुक में देखते हैं। टू कंडक्ट मीन्स टू ट्रांसफर। कंडक्ट मतलब क्या स्टूडेंट, ट्रांसफर करना, मतलब कोई चीज को अगर मैं अनुमति कंडक्ट हो रहा है, मतलब कोई चीज क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। सम मैटर हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट। कुछ मटेरियल या फिर कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हीट को क्या करते हैं स्टूडेंट, कंडक्ट करते हैं, या फिर हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सच अ मैटर इज कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। किस मटेरियल को गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं हम, ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट कंडक्ट होती है या पर हीट ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है हीट उस मटेरियल के अंदर, तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्ट मेटल कॉपर आयरन सिल्वर गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहां पे कुछ मटेरियल के एग्जांपल दिए, कौन कौन से उसके अंदर, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है और एल्यूमिनियम है। तो ये सब मटेरियल जो है स्टूडेंट, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ऑन द अदर हैंड वुड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर टू ऑकर्स थ्रू देम। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती, या फिर होती भी है तो बहुत कम अमाउंट में हीट ट्रांसफर होती है। तो ऐसे मटेरियल को या तो हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, या फिर उनको हीट इंसुलेटर भी बोलेंगे, या फिर इंसुलेटर भी बोलते हैं ना, जिसमें से हीट कंडक्ट नहीं होती। तो ये था हमारा पहला क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और सेकंड का देखा हमने पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मींस ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती या फिर हीट कंडक्ट नहीं होती। उसके एग्जांपल हमने क्या क्या देखे, वुड और प्लास्टिक। जैसे एक सिंपल स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जिसे समझ लो आपकी मम्मी खाना बना रही है। अब खाना बनाने के लिए जो यूटेंसिल, जो बर्तन खाने की जगह पर रखा है ना, अभी जब मैं एक स्पून, बड़ा स्पून लूंगा, चमचा, उसके अंदर जब मैं डालूंगा और थोड़ी टाइम के लिए उसको जब मैं उसके अंदर हिलाऊंगा, स्टिर करूंगा, तो थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, जहां पे मैंने पकड़ा है वो चमचे को, वो पार्ट भी क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट, अब मैंने देखो गैस है, गैस के ऊपर वो यूटेंसिल है, यूटेंसिल के अंदर खाना है, और खाने के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, वो स्पून को मूव कर रहा हूं, स्टिरिंग कर रहा हूं। अभी मैंने वो जो स्पून है वो डायरेक्टली गैस के ऊपर रखा है क्या, नहीं, गैस के ऊपर वो बर्तन है, यूटेंसिल है, यूटेंसिल के अंदर खाना है, फूड है, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। फिर भी वो क्या हो जा रहा है, जहां मैंने ऊपर के साइड में उसको पकड़ा है, तो वो स्पून का ऊपर का पार्ट भी क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो मटेरियल हम उसको मूव कर रहे हैं, जो मटेरियल हम उसको स्टिरिंग कर रहे हैं, वो मटेरियल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो स्टूडेंट, हम खाना बनाने के लिए जो यूटेंसिल यूज करते हैं, जो मेटल यूज करते हैं, जो मटेरियल हम यूज करते हैं, वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपने कभी ऐसा देखा है क्या, जिसमें हम खाना बना रहे हैं वो लकड़ी का बना हुआ है, या फिर वो प्लास्टिक का बना हुआ है, नहीं, उसका हम यूज करेंगे तो खाना पकेगा ही नहीं। क्यों नहीं पकेगा, क्योंकि उसके अंदर से हीट कंडक्ट नहीं होती है। तो हम खाना बनाने के लिए भी ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे ही हम कई कई पे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मटेरियल भी यूज करते हैं, मतलब कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि वुड है या फिर प्लास्टिक है ना, घर में आपने देखा होगा बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जहां पे हमको क्या करना है, हीट को रोकना होता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, वुड या फिर प्लास्टिक का मटेरियल यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी बॉटल होती है, थर्मास जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर जो मटेरियल फील होता है वो मटेरियल किसका होता है, प्लास्टिक का, थर्माकोल टाइप का मटेरियल होता है। अब हम प्लास्टिक का मटेरियल यूज कर रहे हैं, हमको ऊपर से तो मेटल की कवरिंग दिखती है, लेकिन
वो मेटल ही कवरिंग की जब आप बॉटल के अंदर देखोगे ना तो बॉटल के अंदर वो किसका मटेरियल होगा, प्लास्टिक का। क्यों ऐसे स्टूडेंट? वो ऐसा इसलिए क्योंकि प्लास्टिक हीट को कंडक्ट नहीं करती, मतलब हीट को ट्रांसफर नहीं करती है। तो जो हमने समझ लो गरम चाय उसके अंदर लिया तो गरम के गरम ही रहेगी, गरम पानी हमने लिया तो गरम के गरम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मटेरियल कौन सा है, प्लास्टिक का, या फिर प्लास्टिक का ही होता है या फिर थर्माकोल का होता है, थर्मास टाइप मटेरियल होता है, तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप घर में भी देख सकते हो कि कुछ मटेरियल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, कुछ मटेरियल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, किसी में से हीट पास होती है किसी में से हीट पास नहीं होती। इसी के साथ साथ स्टूडेंट देखो आगे क्या बोला है, हमारा सेकंड टॉपिक है क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो जैसे कंडक्शन ऑफ हीट था वैसे ही टॉपिक कौन सा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। देखो मैं पढ़ता हूं, सम मैटर हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी इफिशियंटली। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और बहुत अच्छी से पास होती है, सच मैटर इज कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी उसको क्या बोलेंगे हम, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखे होंगे जिसे आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर जो जाते हैं तो वायर्स जो होती है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वायर्स जो रहती है वो मेटेरियल जो उसको क्या बोलेंगे हम, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो उनको हम क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्राई वुड एंड प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक है, ड्राई वुड है, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इस तरह, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हम वर्ड इंसुलेटर यूज करते हैं, आप इंसुलेटर बोलो या फिर क्या बोलो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा किसी को करंट लग जाता है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई वुड यूज करते हैं या फिर कोई प्लास्टिक का मटेरियल यूज करते हैं उसको वहां से हटाने के लिए। या फिर आपने देखा होगा कि कोई अगर इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़ता है इलेक्ट्रीशियन, तो वो पैर के अंदर रबर के शूज पहनता है, उसके साथ साथ आपने देखा होगा घर में जो टेस्टर होता है तो टेस्टर के जो ऊपर की कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। तो ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और हम उससे क्या होते हैं, सेफ होते हैं। तो ऐसे ही आपने देखा होगा वायर्स होते हैं, वायर्स के ऊपर की कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो हमको करंट नहीं लगता है। तो ऐसे स्टूडेंट हम हमारे घर में भी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि ये मटेरियल यहाँ पे हमने क्यों यूज किया। जैसे वायर को बड़ी कवरिंग प्लास्टिक किया तो प्लास्टिक क्यों यूज किया, वहां पे हमने दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज किया। तो हम ऐसे घर में चीजों को ऑब्जर्व करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब घर में बैठे हो तो घर में हर चीज को ऑब्जर्व करो कि ये मटेरियल इसका बना है तो ये इसका ही क्यों बना है, दूसरे मटेरियल का क्यों नहीं बना है, दूसरे मैटर का क्यों नहीं बना है। जब आप स्टूडेंट ऐसा सोचोगे, ऐसा ऑब्जर्व करोगे तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में क्रिएटिविटी क्या होगी और ज्यादा बढ़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा अपना ब्रेन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल टॉपिक स्टूडेंट, कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा इसके बाद का टॉपिक है स्टूडेंट क्या,